सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आज है हमारा 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 14। तो इसलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि हमने क्या कुछ प्रॉफिट यहां पर कर लिया है। तो आज हमने नियर अराउंड 7,470 रुपए के अराउंड अपना प्रॉफिट यहां पर कर लिया है। तो आ जाते हैं जल्दी से अपनी एक्सेल शीट में एंड देखते हैं कि हमने क्या कुछ प्रॉफिट किया है। एंड हम अपने काइट जीरोधा में भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ हमने प्रॉफिट यहां पर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं हम अपनी स्क्रीन में। तो मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर, तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर दूं भाई, देख सकते हो आप। यहां पर एक और बार कर देता हूं ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना रहे। तो देख लो भाई, आज हमने पुट में एक एंट्री बनाई थी 8,700 की पुट, मिड कैप निफ्टी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने 7,470 के अराउंड एक अच्छे लेवल्स का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। ठीक है, क्या कुछ रीजंस थे, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही जो है डाउन साइड की ओर फॉल कर रही थी, तो मैंने 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट का वेट होने दिया। उसके बाद मैंने जो है डायरेक्ट एंट्री यहां पर अपनी जनरेट कर ली, जिससे हमने यहां पर अपना ये कुछ आज का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में, देख लेते हैं कि वहां पर हमारा क्या कुछ हाल है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये रही हमारी एक्सेल शीट। तो आज हम लोगों ने 7,400 के अराउंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो टोटल हमारी कैपिटल 34,908 हो चुकी है। ठीक है, होनी कितनी चाहिए थी 13,952 के अराउंड, तो ओवरऑल हम 20,956 के प्रॉफिट में यहां पर आ चुके हैं। आई होप आपको चैलेंज देखने में, वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा। और ये जो मैंने ट्रेड लिए, सेम ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं आज की हमारी रिकॉर्डिंग। तो यहां पर मैंने जो है सेम ट्रेड दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर इस चैलेंज का पार्ट बनना है, इस हमारे जो है स्ट्रेटजी का पार्ट बनना है, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस किसी को फुल फ्लैश नॉलेज चाहिए, बेसिक टू एडवांस, वो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। आपको भी सेम यही चीजें देखने के लिए मिल जाएगी।